गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एमबी महादिक सर, डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो आज का जो डे है 22 जनवरी 2024, तो ये एक हिस्टोरिक डे है हमारे देश के लिए। आज हमारे प्रभु श्री राम, उनकी उनका जो विग्रह है, उनकी जो मूर्ति है, रामलला जी की जो मूर्ति है, उसकी स्थापना अयोध्या जी में हो चुकी है। तो आज के इस हिस्टोरिक डे पर हम एक मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं। इस मेडिसिन के यार जो माइंड है, माइंड जो मेंटल पिक्चर है, इसके माइंड में जो रूब्रिक्स हैं, माइंड के जो सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे रूब्रिक्स जो माइंड चैप्टर में है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इस मेडिसिन को इजिली हमारे क्लिनिक में क्रैक कर पाए। तो सबसे पहले तो हमारे लिटरेचर में इस मेडिसिन के बारे में क्या दिया गया है वो हम डिस्कस करते हैं। अ फीमेल रेमेडी फॉर दोज हु आर अनड्यूली एग्जॉस्टेड बाय फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, अबॉर्शंस, सीवर सीवियर इंडोलेंस, लग्जरी और ओवर डोमेस्टिक वर्क। तो बहुत ज्यादा प्रेगनेंसीज के चलते, बार बार प्रेगनेंसीज के चलते, बार बार अबॉर्शंस के चलते, ठीक है, जो एग्जॉस्टेड हो जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं, और इसके अलावा लग्जरी और ओवर डोमेस्टिक वर्क। लग्जरी मतलब जिनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, उनको कुछ ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और ओवर डोमेस्टिक वर्क मतलब जो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, घर का काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, या अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए, या अपना जो गुजारा है उसको कंटिन्यू करने के लिए, जिनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ऐसी महिलाएं जो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर और पावर और विदाउट स्टेरिलिटी, प्रोफाउंड मेलनकली, डीप अनडिफाइंड डिप्रेशन ऑन विद अ सेंसेशन ऑफ सॉरनेस एंड वेट इन द बूम, अ कॉन्शियसनेस ऑफ बूम। तो जो मास्टर क्लार्क हैं उनके मेट्रिया मेडिका में, इट हैज बीन कॉल्ड विद जस्टिस अ ड्यूट्राइन टॉनिक एंड वन ऑफ द की नोट इंडिकेशन फॉर इट्स यूज इज अ कॉन्शियसनेस ऑफ द बूम, रिलैक्सेशन ऑफ यूट्राइन लीगामेंट्स, मिसप्लेसमेंट्स एंड प्रोलैप्स हैव बीन रिमूव्ड बाय हेलोनियास। तो उन्होंने केस भी है डॉक्टर मार्विन ए का, अ केस ऑफ ए फीमेल 28 years old हैज टू चिल्ड्रन बोथ लाइविंग, हैज प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, अल्सरेशन ऑफ सर्विक्स, डार्क एंड ऑफेंसिव ल्यूकेरिया, हर सिस्टम इज वॉर्न आउट एंड हर एक्सप्रेशन वन ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस, शी इज इरिटेबल, फाइंड्स फॉल्ट विद एवरीवन एंड कांट बेयर कॉन्ट्राडिक्शन, रेस्टलेस, वॉन्ट्स टू मूव अराउंड एज शी फील्स बेटर वेन माइंड एंड बॉडी आर एम्प्लॉयड, देयर वॉज सीवियर बैकेक एंड आ सॉर एंड हैवी फीलिंग इन द बूम, इनफैक्ट एज शी सेड शी वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ बूम, द एक्सट्रीम डिप्रेशन ग्लूम एंड इरिटेबिलिटी ऑफ दिस केस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेमेडी, इट इज स्पेशली सूटेड टू नर्वसली रन डाउन फीमेल्स, इजिली फटीग्ड
बाय एनी वर्क हु कंप्लेन ऑफ ए टायर्ड बैक एक मेंसेस टू फ्रीक्वेंट एंड टू प्रोफ्यूज। तो माइंड के बारे में जो दिया है, ऑलवेज बेटर वेन डूइंग समथिंग वेन द माइंड इज एंगेज्ड, डिजायर टू बी लेफ्ट अलोन, कन्वर्जेशन अनप्लीजेंट, डिप्रेस्ड मूड, डल ग्लूमी इरिटेबल, कैन नॉट एंडोर द लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन और रिसीव एनी सुजेशन इन रिलेशन टू एनी सब्जेक्ट, फॉल्ट फाइंडिंग, ग्रेट वीकनेस ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो अभी हम इसके कुछ ऐसे रूब्रिक्स के बारे में बात करते हैं जिसको समझने के बाद हम इस मेडिसिन को बहुत इजीली हमारे क्लिनिक में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसकी जो एलिमेंट्स हैं उसमें दिया गया है एलिमेंट फ्रॉम हार्ड वर्क, मेंटल और फिजिकल, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज और अबॉर्शंस, ओवर डोमेस्टिक वर्क, यूट्राइन हेमरेज। तो इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स फ्रॉम जॉय, एलिमेंट्स फ्रॉम जॉय एक्सेसिव, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स वरीज एग्रेवेट, एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, एलिमेंट्स फ्रॉम अबॉर्शन एग्रेवेट। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो स्लाइटेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन से भी बहुत इरिटेट होती है, बहुत गुस्से होती है, और साथ ही साथ इसको कॉन्ट्राडिक्शन से एलिमेंट्स भी आते हैं। तो ये बहुत पेक्यूलर है इस मेडिसिन में कि कॉन्ट्राडिक्शन से एंगर भी आता है, इरिटेशन भी आती है और एलिमेंट्स भी आती हैं। तो बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा जॉय है ना, एक्सेस में जॉय, ये भी इसको एलिमेंट्स में एलिमेंट्स देता है। तो अभी थोड़ा सा हम ये समझने का प्रयास करते हैं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम जॉय एक्सेसिव, ठीक है, जब भी ये जो पेशेंट है हेलोनियस, जो जब भी ये बहुत खुश होता है या खुश होता है या खुशी का माहौल होता है, जैसे घर में शादी है, कोई फंक्शन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो ये बीमार हो जाती है, इसको एलिमेंट्स आती हैं या इसकी तकलीफें जो पहले से हैं वो और बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और जो बहुत ही पेक्यूलर इसमें सिस्टम है वो ये है, ये दूसरों को भी खुश देखती है, ठीक है, तो भी इसको एनवी होती है फीलिंग। ठीक है, तो दूसरों को भी खुश देखने पर इसको तकलीफ होती है, एनवी हैप्पी सीइंग अदर पीपल। ठीक है, तो जो एनवी रहती है ये जेलसी के जैसे नेगेटिव फीलिंग नहीं होती है, ये जरूर ध्यान में रखना है। बहुत ज्यादा डिसकंटेंट में रहने वाली ये रेमेडी है, डिसकंटेंट में रहती है और इसको बिल्कुल भी कंपनी अच्छी नहीं लगती है, कंपनी अवर्जन टू। ठीक है, इसको लोगों की कंपनी अच्छी नहीं लगती है। क्यों अच्छी नहीं लगती है? क्योंकि लोग इसके पास आते हैं या ये लोगों से मिलती है, उनसे बातचीत करती है, तो उससे भी इसकी दिक्कत बढ़ती है, इसको लोगों से बात करना पसंद नहीं है, लोग इसको अप्रोच करते हैं वो भी इसको पसंद नहीं है। ठीक है, अप्रोच्ड बाय पर्सन बीइंग अवर्जन टू, कंपनी अवर्जन टू। ठीक है, जब ये खुद तो बहुत बीमार है, ठीक है, खुद तो एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन जब ये दूसरों को हंसते हुए खिलखिलाते हुए देखती है तो ये उदास हो जाती है, सैडनेस, हैप्पी सीइंग अदर्स। ठीक है, इसको बातें करना पसंद नहीं है, इसको बोलना पसंद नहीं है, डिजायर टू बी लेफ्ट अलोन। ठीक है, रूब्रिक है स्पोकन टू बीइंग अवर्जन। ठीक है, लोगों से मिलने पर इसको एक तरह से एक्साइटमेंट होती है जो इसको अच्छी नहीं लगती है, एक्साइटमेंट, नर्वस, मतलब ये नर्वस हो जाती है, स्टार्टिंग इजली। ठीक है, और इसके अलावा साथ साथ इसमें एक और रूब्रिक है जो इंडस्ट्रियस, मतलब अब ये ओवर डोमेस्टिक वर्क से इसको एलिमेंट्स आती हैं, एलिमेंट्स स्टार्ट होती हैं,
ओवर डोमेस्टिक वर्क, मतलब ये रेमेडी जो है साथ ही साथ बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियस भी है। और इसके अलावा क्या है कि इसको काम करना अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि काम करने से जब ये किसी काम में फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व रहती है, ऑक्यूपाई रहती है, तो इसको अपनी प्रॉब्लम्स का एहसास नहीं होता है, या अपनी प्रॉब्लम जो इसकी तकलीफ है वो कम हो जाती है। ऑक्यूपेशन अमेल्योरेट, मेंटल एग्जर्शन अमेल्योरेट, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये बहुत ज्यादा हाइपोकॉन्ड्रियाकल भी होती है। और ये जो ओवर डोमेस्टिक वर्क करने के बाद या लग्जीरियस लाइफ के बाद या बार बार प्रेगनेंसीज के चलते, अबॉर्शन के चलते, ठीक है, ये फटीग में चली जाती है, ये एग्जॉस्ट हो जाती है, ये डल हो जाती है, जिसके चलते इसको ज्यादा बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, कन्वर्सेशन एग्रेवेट, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, ये रेमेडी बहुत ज्यादा सेंसोरियस होती है, बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करती है, बहुत ज्यादा नुक्स निकालती है दूसरों में, बहुत ज्यादा फॉल्ट फाइंडिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और रूब्रिक जो है, डलनेस डायबिटीज इन, ठीक है, जैसे ही इसकी शुगर बढ़ती है तब भी इसमें डलनेस आता है, ठीक है। और डायबिटीज का जो मेटाफर जो रहता है कि मतलब जीवन की जो मिठास है वो चली गई है, जीवन में जो मिठास देने वाली चीजें हैं हम उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, हम उनको ले नहीं पाते, मतलब अब हम अपने फैमिली में हैं, हमारा आईपीआर है, हमारा हमारे फ्रेंड्स हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहां पर हमारे क्लीग हैं, है ना, हम उनसे अच्छे से घुलते मिलते रहेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, तभी हमको खुशी फील होगी, ठीक है। लेकिन इसको बातचीत करना पसंद नहीं है, इसको कंपनी पसंद नहीं है, इसको कन्वर्जेशन पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारे जीवन की मिठास रहती है उसको ये ले नहीं पाती है, इसीलिए ये डल हो जाती है जब इसकी शुगर बढ़ती है, एकदम से निढाल हो जाती है, ठीक है, बहुत ही एग्जॉस्टेड, बहुत ही कमजोर महसूस करती है खुद को, ठीक है, जिसके चलते इसको इरिटेशन होती है, इरिटेबिलिटी डायबिटीज इन, रेस्टलेसनेस डायबिटीज इन, और साथ ही इसको बेचैनी भी रहती है, ठीक है, अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ये उदास हो जाती है, ठीक है, और अपनी बीमारी के बारे में सोचने पर इसकी तकलीफें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, अगर ये अपनी तकलीफों के बारे में सोचती है तो इसकी तकलीफें हैं जो वो बढ़ जाती हैं। उसके लिए रूब्रिक है एक सेकेंड थिंकिंग, जी थिंकिंग कंप्लेंट्स एग्रेवेट, थिंकिंग ऑफ हिज कंप्लेंट्स, तो मतलब जब वो अपनी कंप्लेंट्स के बारे में सोचती है तो उसको एग्रेवेशन होती है, ठीक है। और जब ये अपने आसपास के लोगों को देखती है, ठीक है, उनको खिलखिलाकर हंसते हुए बातें करते हुए देखती है तो ये उदास हो जाती है, ठीक है, और ये उदास हो जाती है, ये एनवी फील करती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इससे इसको एग्रेवेशन भी होता है। ये तीनों रूब्रिक्स में आपको मिलेगी, सैडनेस हैप्पी सीइंग अदर्स, इसमें भी एनवी हैप्पी सीइंग अदर्स, और हैप्पीनेस ऑफ अदर्स एग्रेवेट, तो ये सभी रूब्रिक्स में मिलेगी, ठीक है। तो प्रोस्ट्रेट हो जाती है, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड में चली जाती है, ठीक है, बहुत वीकनेस फील होती है इसको, शरीर एकदम निढाल हो जाता है, ठीक है, और इसका मन करता है कि मैं बिल्कुल चुप रहूं, टेसिटर्न, अपनी तकलीफों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहती है, क्योंकि अपनी तकलीफों के बारे में बात करने से इसकी तकलीफ बढ़ती है, थिंकिंग कंप्लेंट्स एग्रेवेट, थिंकिंग ऑफ हिज कंप्लेंट्स, ठीक है, जब दूसरे बातें करते हैं तब भी इसकी दिक्कत बढ़ती है, टॉकिंग अदर्स एग्रेवेट, ठीक है। और एक और बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है, ठीक है, जब इसको कोई सलाह देता है, इसको कोई सजेशन देता है,
तब ये किसी की नहीं सुनती। सुजेशंस विल नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो भी इसको सुजेशन दिया जाता है उसको ये नहीं मानती है। और इसके अलावा क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन से, स्लाइटेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन से भी इसको गुस्सा आता है, इसको इरिटेशन आती है, इसको एलमेंट्स आती हैं। थोड़ा सा भी इसके मन का कुछ नहीं हुआ तो ये इरिटेट हो जाती है, गुस्से हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हिस्टीरिया, ये हिस्टीरिया में भी जाने लगती है। हिस्टीरिया यूट्रस कंप्लेंट्स ऑफ द यूट्रस कंप्लेंट विद अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश तक होने लग जाती है। इसको दौरे पड़ने लग जाते हैं, कन्वल्जन आने लग जाती हैं, ठीक स्टूपिफाइड हो जाती है। और इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस और बहुत ज्यादा मरोज भी रहती है। और फिर इसको मतलब ये जब इसकी बीमारी का ये पीरियड, ये स्टेट कंटिन्यू होते रहती है, कंटिन्यू होते रहती है, तो ये डिस्पेयर में भी जाने लगती है कि बहुत हो गया, अब जो उम्मीद है वो इसकी जो आशा, मतलब आशा तो नहीं कहेंगे, मतलब ये निराशा में जाने लगती है, डिस्पेयर में जाने लगती है, और फिर इसको रोना आता है, ठीक है। क्या करे क्या नहीं करे इसको समझ नहीं आता है, ठीक है। इरेसोल्यूशन वीकनेस फ्रॉम, ठीक है, मतलब कमजोरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके चलते ये इरेसोल्यूशन में चली जाती है, इरेसोल्यूट हो जाती है। इसकी मेमोरी पावर जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। और जो ओवर डोमेस्टिक वर्क, मतलब सारा जीवन स्ट्रगल ही किया है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, वो मतलब क्या कि मैंने सारे जीवन दुख ही दुख देखा है, मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा पल नहीं आया जो मुझे सुख देने वाला हो, मुझे खुशी देने वाला हो, ठीक है। सैडनेस मेनोपॉज ड्यूरिंग, सैडनेस मेंसेस बिफोर, सैडनेस मेंसेस ड्यूरिंग, सैडनेस मेंसेस सप्रेस्ड, ठीक है। सैडनेस प्रेगनेंसी इन, सैडनेस प्यूबिरिटी इन, ठीक है। तो ये बहुत लोनली फील करती है, बहुत उदास फील करती है, बहुत ज्यादा फोरसेकन फील करती है, फोरसेकन फीलिंग ऑफ। और इसमें एक साथ साथ क्या है, ये सब चीजें हैं, लेकिन जब ये मेंटली या फिजिकली ऑक्यूपाई रहती है, बिजी रहती है, तब इसको अमेलियरेट भी होता है, ठीक है, इसको आराम भी मिलता है। और दूसरा एनवी, हैप्पी सीइंग अदर्स ऑफ, सैडनेस हैप्पी सीइंग अदर्स ऑफ, थिंकिंग कंप्लेंट्स ऑफ एग्रेवेट ऑफ हिज कंप्लेंट्स, तो ये सारे रूब्रिक्स हैं। इसको कंपनी अच्छी नहीं लगती है, इसको कोई पर्सन अप्रोच करे वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसको दूसरों के साथ बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। कॉन्ट्राडिक्शन, स्लाइटेस्ट कॉन्ट्राडिक्शन से भी इसको इरिटेशन होती है, एंगर होता है, और मतलब उससे एलमेंट्स भी आते हैं। और इसके साथ साथ एलिमेंट्स फ्रॉम जॉय एक्सेसिव, मतलब बहुत ज्यादा खुश होने पर और जा खुशी का माहौल होने पर भी इसको एलिमेंट्स आती हैं, ये बीमार हो जाती है। या जो इसको पहले से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसको दिक्कतें हैं, वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ एक और सिप्टम है, वेल फील्स वेरी बिफोर फॉलिंग सिक, ठीक है। तो ये बीमार होने से पहले बहुत ज्यादा खुश महसूस करती है, सॉरी, बहुत ज्यादा खुश होती है, और उसके बाद ये बीमार गिर जाती है। तो ये भी एक बहुत पेक्यूलर सिम्टम है इसका। तो थैंक यू सो मच। तो आशा करते हैं कि हेलोनियस के बारे में ये जो आज की हमारी डिस्कशन है, ये आपको काफी हेल्प करेगी इस रेमेडी की, मेंटल स्टेट को, मेंटल पिक्चर को समझने में। थैंक यू सो मच।